Hey guys, कैसे हैं आप लोग? I hope you all will be good. This is Abhinay Nigam and I welcome you all on my YouTube channel. Guys, आज हम बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के नेक्स्ट टॉपिक की, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन की. प्रोजेक्शन ऑफ लाइन को हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं, काफी बड़ी सीरीज मैंने उसकी बनाई है वीडियो की, तो अगर आपने नहीं देखी हो तो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन आप आराम से स्टार्टिंग से देखिए. ऑलमोस्ट 14-15 वीडियोज हैं उसमें, ठीक है, तो उसको आप देखें, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन को सीखें, इसके बाद में प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन पर आए. गाइस, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में आप देख सकते हैं कि हमारे पास में दो वर्ड्स हैं, प्रोजेक्शन एंड देन प्लेन. सो व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्शन? प्रोजेक्शन को सिंपल में समझा चुका था, आपको आपकी परछाई वॉल पर नजर आती है, या ऐसा कुछ होता है कि जब आप चल रहे हो तो आपको आपकी परछाई जमीन पर नजर आती है. आप सोचिए जरा, अगर सनलाइट नहीं होगी तो क्या वो परछाई आपको नजर आएगी? चाहे वो वॉल की बात हो या फिर वो ग्राउंड की बात हो, हमें वो परछाई नजर नहीं आएगी. तो यहां पे सोर्स ऑफ लाइट का होना बहुत जरूरी होता है. तो हम ये मान के चलते हैं कि सोर्स ऑफ लाइट हमारे पास में है, कि अगर कोई पर्टिकुलर लाइट सोर्स से कुछ लाइट्स आती हैं और किसी ऑब्जेक्ट पर वो स्ट्राइक होती हैं, स्ट्राइक होने के बाद में जब वो लाइट आगे बढ़ती हैं, या तो वो इस ऑब्जेक्ट की इमेज वर्टिकल पे बनाएंगी, दैट मींस लाइट ऐसी आई ऑब्जेक्ट से और यहां पे इमेज बनाएंगी, या फिर वो किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर अपनी एक इमेज फॉर्म करेंगी. तो कितना सिंपल हो गया प्रोजेक्शन को समझना. प्रोजेक्शन मतलब क्या? सोर्स ऑफ लाइट से लाइट आई, इस ऑब्जेक्ट की इमेज को लेकर के या तो वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर गिरेगी या फिर वो वर्टिकल प्लेन पर गिरेगी. मतलब लाइट का निकलना ऑब्जेक्ट पर गिर करके उसकी इमेज, किसकी? उस ऑब्जेक्ट की इमेज हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल प्लेन पर प्लेस कर देना ही प्रोजेक्शन कहलाता है. अब उस ऑब्जेक्ट की जगह आपने अगर पॉइंट रख दिया है तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट हो जाएगा. आपने इसके पहले लाइंस रखी थी तो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन हो गया था. अभी आप क्या रख रहे हो? अभी आप प्लेन रख रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा? प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन. लाइट का किसी प्लेन पर गिरना, प्लेन पर गिर करके उसकी इमेज को ले जाना, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वो वर्टिकल हो, दोनों साइड हम लोग उस इमेज को ऑब्जर्व करेंगे, एनालिसिस करेंगे और उसको ड्रॉ करेंगे. ये पूरा प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में होता है. अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि क्या हमको प्लेन बनाने आते हैं? तो पहली चीज तो प्लेन को समझिए, प्लेन एग्जैक्टली क्या होता है. गाइस, प्लेन इज अ सिंपली टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट विच हैविंग लेंथ एंड विड्थ ओनली. उसके पास में अपनी कोई थिकनेस नहीं होती, उसके पास में अपनी कोई मोटाई नहीं होती, केवल लंबाई और चौड़ाई को जब हम ले लेते हैं वो ज्योमेट्री आपकी प्लेन कहलाती है. इसे सिंपली पॉलीगॉन भी आप कह सकते हैं. तो प्लेन स्टार्ट कहां से होता है? हम बोलते हैं जिस पॉइंट से बनाना आप चालू करें, दोबारा उसी पॉइंट पर अगर आप आकर के अपनी ड्राइंग को खत्म करते हैं, ज्योमेट्री को कंप्लीट करते हैं, मतलब ऐसी ज्योमेट्री जो क्लोज्ड लूप है, क्लोज्ड मतलब आपको ओपन नहीं दिख रहा. देखिए, एक लाइन को लिया आपने, वो ओपन रहेगी, दूसरी लाइन को भी लिया आपने, ओपन रहेगी, पर जैसे ही आप तीसरी लाइन को जोड़ें, कैसे भी जोड़ेंगे, और उन दोनों पॉइंट्स को जब आप मिलाएंगे तो जो पूरी सरफेस, पूरी सतह, पूरा प्लेन, पूरा लेमिना जो होगा वो क्लोज्ड होगा. ठीक है, तो दोस्तों प्लेन को अगर आपने सीखना है तो प्लेन स्टार्ट होता है ट्रायंगल से. ट्रायंगल भी काफी टाइप्स के होते हैं, स्क्वायर से, देन रेक्टेंगल, देन पेंटागन, देन हेक्सागन, और ऐसे ही बहुत सारे होते हैं, सर्किल ऑब्वियसली. ठीक है, तो क्या आपको प्लेन बनाना आता है? अगर मैं बोलूं ट्रायंगल बनाना है, स्क्वायर बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है, पेंटागन बनाना है, हेक्सागन बनाना, सर्किल बनाना, तो क्या आप ज्योमेट्री के साथ उसको बना सकते हो? अब आइए देखते हैं कैसे हम लोग प्लेन को इजीली बनाना सीखते हैं. तो गाइस, कॉपीज में हम लोग इसको समझेंगे कि कैसे हम लोग ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन, सर्कल, मतलब जो भी प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में अब तक आया हुआ है उसको कैसे हम लोग ड्रॉ कर पाएंगे. तो चलिए कॉपी में समझते हैं कि कैसे बनाना सीखेंगे प्लेन्स को. तो आइए गाइस, अब यहां पर करते हैं हम प्लेन्स की बात.
पहली चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि प्लेन या कह दें लेमिना या कह दें सरफेस या कह दें प्लेट या फिर नेम ऑफ प्लेन या पॉलीगॉन, जब भी आप प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स के क्वेश्चन की बात करेंगे तब आपको ये वर्ड्स देखने को मिल जाएंगे जो सारे के सारे केवल एक चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो है प्लेन। ठीक है, तो प्लेन बोल दें, लेमिना बोल दें, सरफेस बोल दें, प्लेट बोल दें या नेम ऑफ प्लेन मतलब बोल दें सर्किल, ट्रायंगल, सेट स्क्वायर, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पेंटागन, हेक्सागन, कुछ भी यहां पे नाम दे देगा हम समझ जाएंगे कि वो प्लेन की बात कर रहा है। अब दोस्तों यहां पर जब हम प्लेन बनाना सीख रहे हैं तो मैं थोड़ा सा आपको माइन्यूटली चीजों को सिखाऊंगा। आपको लगेगा कि कैसे बच्चों की तरह सीख रहे हैं, बट जब हम इनको सीख जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली क्वेश्चंस किस तरह से बनाए जाते हैं, मतलब आपको क्वेश्चंस बनाना तक आ जाएंगे। तो पहली चीज, तो जब प्लेन बनाया जाता है चाहे वो सर्कल हो, ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, ये रखे कैसे जाते हैं? ये कुछ दो तरह से रखे जाते हैं या बनाए जाते हैं ड्रॉइंग कॉपी में। पहली चीज अगर सर्कल की बात करें तो दोस्तों इसमें न तो साइड होता है न कॉर्नर होता है, ये अपने एक पॉइंट से रखा हुआ होता है। तो जब भी वो बोलेगा कि इट इज रेस्टिंग बाय वन ऑफ इट्स पॉइंट, कभी भी वो कॉर्नर और साइड का नाम नहीं लेगा। तो सर्कल तो हम एज इट इज बना देंगे, सर्कल जैसा है भाई वैसा बन जाएगा। ट्रायंगल की बात करें, अगर वो बोलता है इज रेस्टिंग बाय वन ऑफ इट्स कॉर्नर, तो गाइज जब भी कॉर्नर की बात करेंगे ना तो हम एवरी टाइम लेफ्ट से चीजें चालू करते हैं। देखो हम लिखते भी कैसे हैं, लेफ्ट टू राइट गाइज, ठीक है, लेफ्ट राइट लेफ्ट हम चलते हैं। तो पहले जब हम पोर्शन की बात करते हैं तो वो लेफ्ट की बात करते हैं, स्टार्टिंग हमारी लेफ्ट से होती है। सेम एज ड्रॉइंग की स्टार्टिंग भी आपकी लेफ्ट से ही होगी। अगर वो बोलता है इज रेस्टिंग बाय वन ऑफ इट्स कॉर्नर, तो आप कॉर्नर को लेफ्ट में बना देंगे। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे कॉर्नर आ गया, फिर लेफ्ट हैंड साइड पे इसका कॉर्नर आ गया, फिर लेफ्ट हैंड साइड पे इसका कॉर्नर आ गया, फिर लेफ्ट हैंड साइड पे इसका कॉर्नर, देन लेफ्ट हैंड साइड पे इसका कॉर्नर, देन लेफ्ट हैंड साइड पे इसका कॉर्नर। अगर ये बोल दे कि कॉर्नर से नहीं, ये जो भी प्लेन है ये साइड से रखा हुआ है, इज रेस्टिंग बाय वन ऑफ इट्स साइड, तो आप क्या करेंगे? तो देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड पे आपने साइड बना दी इस ट्रायंगल की, इस सेट स्क्वायर की भी आपने साइड प्लान कर दी, इस स्क्वायर की भी आपने साइड प्लान कर दी। कहां प्लान कर दी? लेफ्ट हैंड साइड। अगर ये दोनों हाथ हैं तो देखिए कॉर्नर बोलेगा तो आप इस साइड कॉर्नर बना दीजिए, और साइड बोलेगा तो आप इस साइड, ये वाले हाथ पे आप साइड बना दीजिए, इसको थोड़ा सा छोड़ दीजिए। यहां पे कॉर्नर है, साइड है, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर कॉर्नर बोला तो यहां पे आपका कॉर्नर आएगा, और साइड बोला तो यहीं पर ही आपका साइड भी आएगा। सेम एज आपको यहां पे दिख रहा होगा, सभी लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए कॉर्नर्स बने हुए हैं और सभी लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए साइड बने हुए हैं। तो कुछ इस टाइप से प्लेस करने के अपने तरीके होते हैं। ये जो पर्टिकुलर आपको दिख रहे हैं दोनों, ये मैं आपको बना के बताता हूं। अगर आपसे बोल दिया बाय वन ऑफ इट्स कॉर्नर तो आप कैसे बनाओगे, बाय वन ऑफ इट्स साइड्स तो आप कैसे बनाओगे? तो आओ चलो देखो कैसे बनाते हैं। आप ये वीडियोस ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, तो अपने फ्रेंड्स की मदद कीजिए, डिफरेंट कॉलेजेस में अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो सर्कुलेट करिए इस वीडियो को, ठीक है। सब्सक्राइब बटन को जरूर क्लिक कर दीजिए, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए, और डाउट हो तो कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।